यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, जेई मेंस 10 अप्रैल पेपर शिफ्ट वन का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर इन ए पी एंड ए वन ए फोर ए सेवन ए सिक्सटीन इक्वल टू 114, देन ए वन प्लस ए सिक्स प्लस 11 प्लस ए सिक्सटीन। इस तरह के क्वेश्चन हमने कई सारे किए हुए फाउंडेशन कोर्स में। सिंपल है, इसका मतलब ए, इसका मतलब ए प्लस 5d, ए प्लस 10d एंड दिस इज ए प्लस 15d, मीन्स 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 30d। यानी लॉजिकली हम देखें तो 2 कॉमन निकाल ले तो ए प्लस 15d। अब ऑब्वियसली ए प्लस 15 कहीं से मिलने वाला होगा, क्योंकि ए वन मतलब ये देखिए यहां पर टोटल टर्म कितने, देखिए याद रखिएगा 10, 13, 16, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म है। डायरेक्टली भी लिख सकते थे कैसे, ए ए प्लस 3d है, फिर ए प्लस 6d है, अप टू ए प्लस 15d, दिस इज 114। तो 6 टाइम्स ऑफ ए, 3 कॉमन ले लीजिए तो 5 टर्म है, 5 × 5 + 1 = 6/2 मीन्स 3, 9, राइट। अब ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको चाहो तो 3 × 15d दिस इक्वल टू 114, राइट। 3 कॉमन लिया तो 2a + 15d इक्वल टू 114, 2a + 15d इक्वल टू 38, राइट। तो यहां पर रख दिया 2 × 38, दिस इज 76। कितना अच्छा क्वेश्चन था, यानी इसका आंसर हुआ 76। कुल मिला के आपको करना क्या था, इसको सॉल्व किया, ये रिजल्ट आया। इस तरह के क्वेश्चन जीपी में हमने बहुत किए हुए, a + 3d, a + 6d, a + 15d, इससे भी वही रिजल्ट निकला, वो पुट कर दिया, आपको आंसर मिल गया, राइट। नोट डाउन दिस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, साइन पी प्लस 1x प्लस साइन x अपॉन x, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, क्यू रूट x प्लस x स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन 3/2 x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट x तो देन पी क्यू। अब इसमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक, एफ जीरो पे कितना है, एफ जीरो पे क्यू है, एफ जीरो माइनस एच जब हम लिखेंगे, मतलब लॉजिकली ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसको आप एल हॉस्पिटल से कर लीजिए, तो आप ऐसा ही लिखते कॉस पी प्लस 1 इंटू एक्स इंटू पी प्लस 1 इंटू कॉस पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ऑफ कॉस एक्स, नीचे 1 हो गया, एक्स के प्लेस पे डायरेक्टली मैंने आपको बताया 0 रख दो तो आपको मिलेगा पी प्लस 2। यानी एक तरह से रिजल्ट आ गया पी प्लस 2 इक्वल टू क्यू। ऑप्शन हेल्प करेंगे ऑब्वियसली, अगर वैल्यू -1/2 तो क्यू 3/2 एक ये कर रहा है, की वैल्यू अगर मैं ले लू -3/2 लिया तो क्यू 1/2 ये भी कर रहा है। यानी अब देख लेते हैं, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, पर इसको डिफ्रेंशिएट करने में हल मिस्त्री टाइम वेस्ट कर दीजिए, इसको आप रैशलाइज कर दीजिए तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स अपॉन एक्स की पावर 3/2 इन टू स्टेप कम से कम लिखना है रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है समझाना चाहूंगा मैं आपको, ये कैंसिल, यहां पर बचेगा एक्स की पावर हाफ एक तरह से, और नीचे से भी रूट एक्स बाहर निकाल सकते हैं तो आपको मिलेगा रूट 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस ऑफ 1। ये ध्यान रखिएगा, ये कैंसिल, 1 अपॉन और एक्स के 0 रख दिया तो ये हो गया 1 अपॉन। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये 0 प्लस एच पर है, यानी क्यू की वैल्यू आना चाहिए 1/2, क्यू की वैल्यू 1/2 रख दी तो पी की वैल्यू आना चाहिए -3/2, -3/2 1/2, देन दिस इज द राइट आंसर, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है, इफ ए ग्रेटर देन 0 जेड इक्वल टू 1 + i होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस आयोटा हैज मैग्नीट्यूड √2/5 देन जेड बार, इसका मैग्नीट्यूड √2/5 है तो इसको जेड बार बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से ए फाइंड आउट करेंगे और उस ए को निकाल के उसका जेड बार लेंगे। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली जेड क्या दिया है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2i अपॉन ए माइनस आयोटा, राइट। बोलू मैग्नीट्यूड ले लो तो आपको पता है इसका भी हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं डायरेक्टली, तो 2 अपॉन √a² + 1 दिस इक्वल टू √2/5, स्क्वायरिंग करके लिखिएगा, मैं तो आपको समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिए, अदरवाइज आप डायरेक्टली लिखिएगा a² + 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो 2 अपॉन 5 = 4 अपॉन √a² + 1, ये कैंसिल 2 टाइम्स, देन a² + 1 = 10, देन a² = 9, देन a = ±3, देन a = only +3 बिकॉज
ए ग्रेटर देन जीरो। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका मतलब आपके पास जेड इक्वल टू टू आयोटा अपॉन थ्री माइनस आयोटा है, राइट। थ्री आयोटा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, थ्री प्लस आयोटा इन टू थ्री प्लस आयोटा एंड दिस इज कितना हो जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई किया तो सिक्स आयोटा, और ये टू आयोटा स्क्वायर मीन्स माइनस ऑफ टू प्लस ऑफ सिक्स आयोटा बाय टेन, मीन्स बेसिकली जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री आयोटा अपॉन फाइव, ये आया जेड। अब इसका कॉन्जुगेट पूछा है तो माइनस वन माइनस थ्री आयोटा बाय फाइव इज अ राइट आंसर, यानी अगर हम देखें तो लॉजिकली दिस वन इज अ राइट आंसर, माइनस वन माइनस थ्री आयोटा अपॉन फाइव, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।